वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, एमबीबीएस फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, टुडेज आवर टॉपिक इज माइसीटोमा। माइसीटोमा के बारे में पढ़ेंगे। फंगल इन्फेक्शन होता है, इसे मधुरा माइकोसिस भी कहते हैं, या फिर एक और नाम है इसका मधुरा फुट। क्या नाम है? मधुरा फुट। तो तीन नाम है इसके, तीन सिनोनियम्स है, तो किसी भी नेम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। माइसीटोमा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे गाइस, पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे, लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे, एंड देन लास्ट में ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो इस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत आसानी से समझाया हुआ है, तो आराम से रिलैक्स होकर बैठिए, ठीक है। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। आखिर जो माइसीटोमा जो फंगल इन्फेक्शन है, ये कैसा इन्फेक्शन है, ठीक है, कैसा है, ठीक है। क्रोनिक स्लोली प्रोग्रेसिव, मतलब ये ऐसा इन्फेक्शन है कि धीरे धीरे होता है, स्लोली स्टेप वाइज होता है, और एक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन होता है। ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन, ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन होता क्या है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना, कुछ भी चीज़ पढ़ो तो बेस डीप में जाया करो कि ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन क्या होता है, वो मैं बताता हूँ। कोई भी इन्फेक्शन, जैसे ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो WBCs होती हैं, उस इन्फेक्शन को मारने की क्षमता रखती है, ठीक है। WBCs होती हैं, वो जो इन्फेक्टिव एजेंट है उसके खिलाफ उसको अटैक करेगी, जो इन्फेक्टिव एजेंट है उस पर अटैक करेगी और उसको किल करने की कोशिश करेगी। लेकिन ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन में क्या होता है, जो WBC होती है वो क्या है, क्या अपना काम नहीं कर पाती, वो इस इन्फेक्टिव एजेंट को किल नहीं कर पाती, ठीक है। ऐसे इन्फेक्शन को कहेंगे हम ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन, ठीक है। तो और इसकी वजह से जो भी फंगस है या फिर कोई भी बैक्टीरियाज हैं, वो क्या होंगे, वो ग्रो करते ही जाएंगे, ठीक है। तो माइसीटोमा एक ऐसा ही इन्फेक्शन है, ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन है, जिसमें WBC किल नहीं कर पाएगी उन फंगस को, और ये इन्फेक्शन डेवलप होता जाएगा, ठीक ठीक है। तो क्या हुआ, माइसीटोमा एक क्रोनिक स्लोली प्रोग्रेसिव है, ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन है ऑफ स्किन पे इन्फेक्शन होएगा, और सबक्यूटेनस जो टिश्यूज हैं उनका इन्फेक्शन होएगा। तो समझ में आ गया माइसीटोमा कैसा है, क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। अब माइसीटोमा जब आप पढ़ोगे, माइसीटोमा क्लिक करते ही आपको एक ट्रायड याद आना चाहिए, ये ट्रायड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रायड माइसीटोमा में आपको नहीं आता तो आप माइसीटोमा के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। माइसीटोमा में स्वेलिंग होनी चाहिए, देखो ये है माइसीटोमा फुट है, ठीक है, ये फुट है, इसके इन्फेक्शन दिख रहा है आपको, ये इन्फेक्शन है दिस वन, यहाँ पे स्वेलिंग दिख रही है ना, स्वेलिंग दिख रही है, तो ट्रायड का एक कंपोनेंट क्या है, स्वेलिंग होएगा, ठीक है। डिस्चार्जिंग साइनस, अब ये चीज़ें दिख रहे हैं आप, साइनस बन रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे साइनसेस बन रहे हैं, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट क्या है स्ट्राइड का, साइनस बन रहे हैं, ठीक है। पहला स्वेलिंग है, दूसरा साइनस बन रहे हैं। अब जो साइनस है इनके अंदर, ये जो साइनस है गाइस, रेड से दिखाता हूँ, ये जो साइनस है इनके अंदर, इन साइनस के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इन साइनस के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन दिस डिस्चार्जिंग साइनस, ठीक है। ट्राइड हो गया, पहला ट्राइड के अंदर क्या होता है, पहला फीचर क्या है इस ट्राइड का, माइसीटोमा के ट्राइड का, माइसीटोमा में तीन फीचर होंगे जिसे हम ट्राइड बोलते हैं। पहला फीचर होगा स्वेलिंग हो जाएगी फुट की, दूसरा डिस्चार्जिंग साइनस प्रेजेंट होंगे, और तीसरा क्या होगा, इन डिस्चार्जिंग साइनस के अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर, समझ में आ गई सारी चीजें। नेक्स्ट, अब जो माइसीटोमा है गाइस, इस माइसीटोमा को हम मधुरा माइकोसिस भी कहते हैं या फिर मधुरा फुट भी कहते हैं। मधुरा फुट क्यों कहते हैं गाइस, इस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहले डिस्कवर किया गया मदुरई में, जो साउथ इंडियन में जो मदुरई है एक प्लेस है, वहां पे इसे डिस्कवर किया गया, इसलिए इसका नाम मधुरा माइकोसिस या फिर मधुरा फुट रख दिया गया, क्लियर गाइस। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टाइप ऑफ माइसीटोमा। अब माइसीटोमा के प्रकार क्या है, क्या क्या टाइप्स हैं, दो तरह के होते हैं, यू माइसीटोमा या फिर एक्टिनोमाइसीटोमा, ठीक है, एक्टिनोमाइसीटोमा, ठीक है। अब गाइस, माइसीटोमा मोस्टली आप बहुत बताते हो कि माइसीटोमा जो क्वेश्चन आता है वो फंगस से आता है, ठीक है, लेकिन जो माइसीटोमा है वो बैक्टीरियल एजेंट से भी हो सकता है। तो माइसीटोमा दो टाइप है, यू माइसीटोमा मतलब ट्रू माइसीटोमा फंगल एजेंट से होता है, एंड एक्टिनोमाइसीटोमा बैक्टीरियल एजेंट से हो सकता है। तो माइसीटोमा दोनों से हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगल से भी हो सकता है। जो फंगस से होता है उसे हम यू माइसीटोमा कहते हैं, एंड जो बैक्टीरिया से होता है उसे एक्टिनोमाइसीटोमा कहते हैं। और दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, भाई पहचानेंगे कैसे कि ये फंगस से हो रहा है या फिर बैक्टीरिया से हो रहा है, ठीक है। तो हम किससे पहचानेंगे, हमारे अंदर अभी हमने देखा पहले इस फिगर में ये बहुत सारे डिस्चार्जिंग साइनस थे। इन डिस्चार्जिंग साइनस के अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये डिस्चार्जिंग साइनस है, इस साइनस के अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। इन ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स। जो ग्रेन्यूल्स बनेंगे, ये जो सारे साइनस हैं, इनसे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं,
इन ग्रेन्यूल के कलर के बेसिस पे या फिर इन ग्रेन्यूल के साइज के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो इन्फेक्शन है वो फंगस का है या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। ठीक है, अब बात करें हम जो माइसिटोमा है वो कौन कौन फैला सकता है, कौन कौन फैला सकता है एंड जो ग्रेन्यूल से बनेंगे उनके क्या क्या टाइप्स है। अब हमने बताया कि माइसिटोमा, हमने अभी बताया पिछली स्लाइड में, माइसिटोमा बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, ये हमने बता दी। ठीक, जो बैक्टीरिया से होता है उसे हम एक्टिनोमाइसिटोमा कहेंगे एंड जो फंगस से होता है उसे यू माइसिटोमा हम कहेंगे। ठीक है, हमने बताया कि यू माइसिटोमा एंड एक्टिनोमाइसिटोमा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ग्रेन्यूल्स देखेंगे। ये हमारा डिस्चार्जिंग साइनस है, इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स की साइज या फिर ग्रेन्यूल्स के जो कलर है उसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये यू माइसिटोमा है या फिर एक्टिनोमाइसिटोमा, मतलब कि फंगस से इन्फेक्शन हो रहा है या फिर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक, अब अगर कलर जो है यू माइसिटोमा है, अगर फंगस से इन्फेक्शन हो रहा है तो ग्रेन्यूल्स का जो कलर है वो ब्लैक होएगा या फिर वाइट ग्रेन्यूल्स होंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ब्लैक ग्रेन्यूल्स होंगे या फिर वाइट ग्रेन्यूल्स होंगे। अगर इन्फेक्शन माइसिटोमा का बैक्टीरिया से हो रहा है तो ग्रेन्यूल्स कैसे होंगे, वाइट टू येलो ग्रेन्यूल्स होंगे एंड पिंक टू रेड ग्रेन्यूल्स होंगे। समझ में आ गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वाइट टू येलो ग्रेन्यूल एंड पिंक टू रेड ग्रेन्यूल, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर, ब्लैक ग्रेन्यूल्स जो है, जो ब्लैक ग्रेन्यूल्स हैं गाइस, ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है मदुरेला ब्लैक ग्रेन्यूल्स जो है जो यू माइसिटोमा से होंगे, मतलब फंगस अगर इन्फेक्शन कर रहा है तो ब्लैक ग्रेन्यूल्स डेवलप होंगे। ब्लैक ग्रेन्यूल्स कौन कौन से फंगस होते हैं, मदुरेला माइसिटोमैटिस, मदुरेला ग्रीसिस एंड एक्सोफिला जिनसिमली। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने देख, मतलब थोड़ा दिमाग में रखना है। ठीक, वाइट ग्रेन्यूल्स एक फंगस है, उससे हो सकता है एस्परजिलस निडुलेंस, इससे हो सकता है। अब बैक्टीरियल की बात करें, व्हाइट टू येलो ग्रेन्यूल्स कौन सी स्पेसीज से होता है, नोकार्डिया स्पेसीज से होता है एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस और सोमेलिन्स इसका इन्फेक्शन है तो व्हाइट टू येलो ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। पिंक ग्रेन्यूल्स कब होंगे, जब एक्टिनोमदुरा प्लेट्री इसका इन्फेक्शन होगा तब आपको पिंक ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने बताया कि ट्रायड होता है, स्वेलिंग हो जाएगी, ये हमारा फुट है तो इस फुट की स्वेलिंग हो गई, फुट के अंदर बहुत सारे साइनसेस पाए जाएंगे, डिस्चार्जिंग साइनस, और इन साइनस के अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, समझ में आ गया, क्लियर, स्वेलिंग होगी, डिस्चार्जिंग साइनस एंड ग्रेन्यूल्स इन डिस्चार्ज। अब इन तीनों की भाई स्वेलिंग कैसी है एंड जो साइनस बन रहे हैं वो कैसे हैं, उनकी साइज कैसी है, जो ग्रेन्यूल्स कलर कैसा है, उनके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमने पहले बताया कि बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है फिर फंजाइ से इन्फेक्शन हो रहा है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर टेबल के रूप में दिया हुआ है कि अगर यू माइसिटोमा है, जो ट्यूमर है, मतलब ट्यूमर मतलब स्वेलिंग, जो हमारे फुट की स्वेलिंग है, अगर यू माइसिटोमा का इन्फेक्शन मतलब फंगस इन्फेक्शन है तो जो स्वेलिंग होगी वो सिंगल होगी एंड वेल डिफाइंड मार्जिन, जो स्वेलिंग होगी फुट की, जो ट्यूमर बनेगा वो सिंगल, ठीक है, एंड वेल डिफाइंड मार्जिन होगी स्वेलिंग की। ठीक है, और जबकि एक्टिनोमाइसिटोमा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो मल्टीपल ट्यूमर, बहुत सारे ट्यूमर बनेंगे, बहुत सारी स्वेलिंग हो जाएगी फुट के अंदर, मतलब ये फुट है, मान लो ये फुट है तो एक पर्टिकुलर जगह पे स्वेलिंग नहीं होगी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बहुत सारी जगह स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटिस में मल्टीपल ट्यूमर बन जाएंगे विद इल डिफाइंड मार्जिन, जबकि यू माइसिटोमा में वेल डिफाइंड मार्जिन था। क्लियर, अब जो साइनसेस बन रहे हैं, जो फुट था, देखो ये हमारे पास डायग्राम था, एक सेकेंड रुकना, ये हमारे पास डायग्राम है, देखो स्वेलिंग दिख रही है आपको, स्वेलिंग दिख रही है, एक सिंगल स्वेलिंग है, ठीक है, स्वेलिंग दिख रही है। ठीक, अब स्वेलिंग जो है गाइस, यहाँ देखना, बहुत सारे जो साइनसेज हैं, ये जो ये स्वेलिंग है पूरी, एक ये पूरी स्वेलिंग है, ये पूरी स्वेलिंग बोलेंगे इसको। ठीक, इसके अंदर बहुत सारे साइनसेज हैं, ये दिस इज साइनसेज, दिस इज साइनसेज, और इन साइनस के अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक, यू माइसिटोमा में एक सिंगल स्वेलिंग होगी एंड वेल डिफाइंड मार्जिन रहेंगे, सिंगल स्वेलिंग वेल डिफाइंड, ये जो स्वेलिंग है ये यू माइसिटोमा की स्वेलिंग है, ये ध्यान रखना, सिंगल स्वेलिंग है, वेल डिफाइंड मार्जिन है, और जो साइनसेस डेवलप होते हैं यू माइसिटोमा में वो बहुत लेट डेवलप होते हैं और कुछ नंबर में ही होते हैं। ठीक है, जबकि एक्टिनोमाइसिटोमा में ये जो साइनसेस डेवलप हो रहे हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं, न्यूमरस, बहुत सारे साइनस डेवलप होंगे, जो डिस्चार्ज है वो सीरियस डिस्चार्ज होगा, मतलब इनके अंदर जो डिस्चार्ज साइनस जो होते हैं वो डिस्चार्ज करते रहते हैं, मतलब पस सा निकलता रहता है और सीरियस पस होएगा, और जबकि एक्टिनोमाइसिटोमा में प्यूरुलेंट पस निकलेगा। ठीक है, ग्रेन्यूल्स ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और यहाँ पर एक्टिनोमाइसिटोमा में व्हाइट या फिर रेड पिंक हो सकते हैं एक्टिनोमाइसिटोमा में, तो डिफरेंट आपको याद रखना है एक्टिनोमाइसिटोमा न्यूमाइसिटोमा में। ठीक है, नेक्स्ट, लैब डायग्नोसिस हम देखें,
स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे, सबसे पहले हम जो लीजन है, ये हमारा लीजन है ठीक, इसको हम, ये हमारा जो लीजन है इसको हम एंटीसेप्टिक से धोएंगे, किससे धोएंगे, एंटीसेप्टिक से धोएंगे, एंटीसेप्टिक से पहले हम धो देंगे इसको ठीक है, धो देंगे, और उसके बाद में जो जो डिस्चार्जिंग साइनस है, ये जो डिस्चार्जिंग साइनसेस हैं हमारे, ये साइनसेस है डिस्चार्जिंग साइनस, इसको हम एक साइड से पेरिफेरी से हम इसको प्रेस करेंगे, जैसे हम इस पेरिफेरी से इस डिस्चार्जिंग साइनस को प्रेस करेंगे, ग्रेन्यूल्स बाहर निकल के आ जाएंगे, प्रेस जैसे करेंगे जो ग्रेन्यूल्स हैं ये बाहर निकल के आ जाएंगे, और उन ग्रेन्यूल्स को हम क्या करेंगे, ग्रेन्यूल्स आ गए बाहर हमारे पास, और इन ग्रेन्यूल्स को देन हम वॉश कर लेंगे सेलाइन सॉल्यूशन में ठीक है, वॉश कर लिया जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये हमारे पास ग्रेन्यूल आ गया, वॉश कर लिया, फिर उस ग्रेन्यूल्स को हम क्रश कर देंगे, स्लाइड्स के बीच में रख के ऐसे क्रश करेंगे, ग्रेन्यूल्स हमने यहाँ रख लिया और इसको क्रश कर देंगे स्लाइड्स के बीच में रख के ठीक है, क्रश कर देंगे स्लाइड्स के बीच में रख के ठीक है, क्रश करने के बाद में हमने क्रश कर लिया साहब ठीक है, ठीक है, फिर हम एग्जामिन कर लेंगे ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करना है, जो भी हमारे पास स्वेलिंग है उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन अप करना है, एंड देन स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करेंगे, हम जो डिस्चार्ज साइनस है उसको प्रेस करेंगे, एक साइड से प्रेस कर लेंगे, एंड एक साइड से प्रेस करने के बाद में जो ग्रेन्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, देन ग्रेन्यूल्स को कम क्रश भी कर सकते हैं ठीक। जो ग्रेन्यूल्स हमारे हमने आइसोलेट किए उसके माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस से भी हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं ठीक है, जैसे ग्रेन्यूल्स का कलर कैसा है, साइज कैसी है, शेप कैसा है, टेक्सचर कैसा है, उसके आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं। अगर ग्रेन्यूल्स का कलर ब्लैक आ गया आपका, हमने बताया ना ब्लैक ग्रेन्यूल्स यूमाइसेटोमा में होंगे, हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, तो कलर के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं क्लियर, इटोलॉजिकल एजेंट पता कर सकते हैं कि किस से इन्फेक्शन हो रहा है। अगर यूमाइसेटोमा हमने सस्पेक्ट कर लिया भाई, यूमाई मतलब अगर हमने सस्पेक्ट कर लिया कि जो इन्फेक्शन हो रहा है फंगस से हो रहा है, तो हम जो ग्रेन्यूल्स हमने कलेक्ट किए उसको हम केवच माउंट में डालेंगे, केवच माउंट में डालेंगे, और फिर हम देखेंगे हाइफी देखेंगे, हाइफी विद स्पोर्स, क्लैमाइडोस्पोर्स देखेंगे ठीक है, समझ में आ गया। अगर हमें पता लगा कि जो इन्फेक्शन हो रहा है वो बैक्टीरिया से हो रहा है, मतलब एक्टिनोमाइसेटोमा है, तो हम जो ग्रेन्यूल्स हैं उसको ग्राम स्टेनिंग करेंगे उसकी, और फिर हमें पता लगेगा कि ग्राम पॉजिटिव बैसिलाय फिलामेंटस बैसिलाय ग्राम पॉजिटिव बैसिलाय यहाँ पर प्रेजेंट है ठीक है, फिर हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे क्लियर। नेक्स्ट कल्चर हम किससे करेंगे ठीक है, कल्चर किससे करेंगे गाइस, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एलजी मीडिया यूज करेंगे, एलजी मीडिया मतलब लोनेस्टिन जेंसन मीडिया ठीक है, अगर फंगस इन्फेक्शन है मतलब यूमाइसेटोमा है तो हम एसडी अगार, सबिरोज डेस्ट्रोज अगार यूज करेंगे ठीक है। ग्रेन्यूल्स आर बेस्ट स्पेसिमेन फॉर कल्चर, जो ग्रेन्यूल्स हैं वो कल्चर के लिए बेस्ट स्पेसिमेन है, क्यों है, क्योंकि वो लाइव ऑर्गेनिज्म रखते हैं ग्रेन्यूल्स ठीक है क्लियर। नेक्स्ट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, लैब डायग्नोसिस हमारी पूरी होगी, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम जो लीजन है हमारा, ये हमारा फूटता जो लीजन है उसको हम सर्जिकल रिमूव कर देंगे, सबसे पहला बेस्ट ट्रीटमेंट तो यही है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ लीजन, लेकिन अब नहीं हो पा रहा, सर्जरी हम नहीं कर पा रहे, सॉरी फर्स्ट पहले हम सर्जिकल लीजन कर दिए, सॉरी वापस देखना, पहले हम सर्जिकल लीजन कर दिए ठीक है, ये हमारा इन्फेक्शन था, यहाँ हम सर्जिकल लीजन कर दिए, अब सर्जिकल रिमूवल के बाद में भी हमें कुछ ड्रग्स देनी पड़ती हैं गाइस, फॉलोअप करना पड़ता है, क्या फॉलोअप करेंगे हम, एंटीफंगल एजेंट, अगर फंगस से हो रहा है तो हम एंटीफंगल एजेंट देंगे ठीक है, और एंटीफंगल एजेंट में हम इट्राकोनेजोल या फिर एम्फोटेरिसिन भी देंगे ताकि इन्फेक्शन वापस ना होए, ताकि इन्फेक्शन वापस ना होए, इसलिए हम सर्जिकल रिमूवल के बाद में भी कुछ ड्रग्स देते हैं, जैसे इट्राकोनेजोल एम्फोटेरिसिन भी इन द केस ऑफ फंगल ठीक है। अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है तो एमिकासिन एंड कोट्रीमेजोल दे देंगे, कोट्रीमेजोल एंड एमिकासिन दे देंगे ताकि वापस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन ना हो, इस कॉम्बिनेशन को, एमिकासिन प्लस कोट्रीमेजोल के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वेल्स रेजिम, क्या बोलते हैं, वेल्स रेजिम। तो ये हमारा पूरा ट्रीटमेंट हुआ ठीक है, पहले हम सर्जिकल रिमूवल कर देंगे, सर्जिकल रिमूवल के बाद में हम कुछ ड्रग्स देते रहेंगे ताकि री इन्फेक्शन ना हो क्लियर। तो गाइस ये आपका पूरा वीडियो था, होप आपको अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दिया करो गाइस, क्योंकि कॉन्फिडेंस मिलता है हमारे ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है। अगर नोट्स चाहिए आपको साफ सुथरी राइटिंग में तो आप अनुराग सिंह एमबीएस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको नोट्स मिलते हैं, कोई भी डाउट क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके पूछ सकते हैं। स्टे हैप्पी स्टे सेफ गाइस।